नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 40 दिनों से जमे किसानों के बीच एक दुखद खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सिंधु बॉर्डर पर एक प्रदर्शनकारी किसान ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि किसान को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मालूम हो दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पर आंदोलन कर रहे 40 से अधिक किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन अब तक किसानों और सरकार के बीच बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। 8वें दौरे की वार्ता भी विफल रही है। बता दें, कृषि कानूनों को रद्द करने की अपनी मांग पर जमे हुए हैं। शनिवार की सुबह हल्के बादल के साथ धूप निकली। बता दें, रांची के बाहरी इलाकों में सुबह 8 बजे तक हल्का कोहरा भी देखने को मिला। मौसम विभाग के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग और पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि आज से हवा का रुख उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व होने के बाद तापमान में बदलाव की संभावना है। राज्यपाल से मिले रघुवर दास। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने शनिवार को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार मुलाकात की और उन्हें 9 वर्ष की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने राज्य में ध्वस्त हुई कानून व्यवस्था की ओर ध्यान आकृष्ट कराया। उन्होंने कहा कि ओरमांझी में पिछले दिनों हुए बलात्कार और हत्याकांड के मामले में राज्य पुलिस पूरी तरह से नाकाम रही है। बलात्कार की घटनाओं में दिनों दिन वृद्धि हो रही है। महिला और बच्चियां खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही, यह चिंता का विषय है। कानून व्यवस्था की स्थिति यह है कि राज्य भवन भी सुरक्षित नहीं है। झारखंड के एक ही परिवार के 4 लोगों की तमिलनाडु में हत्या। झारखंड के एक ही परिवार के 4 लोगों की तमिलनाडु में हत्या कर दी गई है। बता दें, तमिलनाडु के नीलगिरी चाय बागान में काम करने वाले लोहरदगा निवासी अशोक भगत के पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। घटना 7 जनवरी को हुई है। बता दें, मृतकों के नाम अशोक भगत, पत्नी सुमति देवी, पुत्र अभय भगत और पुत्री अनिमा शामिल है। सबकी हत्या स्टाफ क्वार्टर में ही अलग अलग तरीके से की गई। अशोक का शव फंदे से लटका मिला, वहीं पत्नी की हत्या किचन में गला काट कर दी गई है। वहीं पुत्र की हत्या गला दबाकर और पुत्री की हत्या पानी में डुबोकर कर दी गई है। मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला मामला में नहीं मिली कोई अहम जानकारी। मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला की प्रयास मामले में मुख्य आरोपी भैरव सिंह को रिमांड पर लेकर पुलिस ने दूसरे दिन शनिवार को भी पूछताछ की। पुलिस सूत्रों ने बताया कि भैरव सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला करना उसकी मानसिकता नहीं थी। हम लोग लड़की के सिर कटी शव के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। वह ना तो तोड़फोड़ व मारपीट करने में शामिल था और न ही किसी को तोड़फोड़ व मारपीट करने के लिए प्रेरित किया था। उसने पुलिस को बताया कि मुख्यमंत्री पर हमला करने के विषय में वह सोच भी नहीं सकता। हालांकि पुलिस पूछताछ में अब तक कोई अहम जानकारी पुलिस को नहीं मिली है। पत्थर व्यवसायी संघ ने कृषि मंत्री से की मुलाकात। पत्थर खनन व्यवसायी संघ शनिवार को कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से मिलकर सीएम हेमंत सोरेन के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में खनन में हो रही समस्याएं और उत्पन्न बेरोजगारी से अवगत करवाया। ज्ञापन में संघ ने बताया कि वैध खनन मालिकों के खिलाफ तुगलकी फरमान जारी किया गया है, जिसमें गलत तरीके से खनन पट्टाधारियों को करोड़ों फाइल किया गया। उन्होंने कहा कि संताल परगना से पत्थर उद्योग, खासकर दुमका और पाकुड़ से समाप्त हो जाएगा। पत्थर उद्योग समाप्त होने से लाखों मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। मामले को गंभीरता से लेते हुए कृषि मंत्री ने सरकार के मुख्य सचिव से बात कर मामले को संज्ञान में लेकर सकारात्मक पहल करने का निर्देश दिया है। भाजपा महिला मोर्चा झारखंड के तत्वाधान में राजभवन के समक्ष राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन शनिवार को भी जारी रहा। बता दें, राज्य में निरंतर बढ़ रहे महिलाओं के ऊपर दुष्कर्म बलात्कार की घटनाओं को लेकर दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। धरना में सैकड़ों महिला मोर्चा के कार्यकर्ता और राज्य की महिलाएं उपस्थित थी। धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर ने किया। 16 जनवरी से उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के सभी जिलों के संगठनिक प्रवास पर रहेंगे बाबूलाल मरांडी। भाजपा विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी 16 से 22 जनवरी तक उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के विभिन्न जिलों का संगठनिक प्रवास करेंगे। यह जानकारी शनिवार को भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने दी। उन्होंने बताया कि मरांडी 16 जनवरी को बोकारो, 17 को धनबाद महानगर, 18 को धनबाद ग्रामीण, 19 को गिरिडीह, 20 को कोडरमा, 21 को हजारीबाग और 22 जनवरी को रामगढ़ जिला द्वारा आयोजित विभिन्न बैठकों एवं सम्मेलन में भाग लेंगे। झारखंड में 236 नए संक्रमित की पुष्टि हुई है, जो रांची से 125, पूर्वी सिंहभूम 30 और धनबाद से 21 नए संक्रमित मिले हैं।
राज्य के 7 जिले चतरा, गढ़वा, गिरिडीह, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज तथा सिमडेगा में कोई संक्रमित नहीं मिले हैं, जबकि अन्य जिलों से 10 से कम की संख्या में संक्रमित मिले हैं। झारखंड में कुल मौत की संख्या 1045 है, वहीं एक्टिव केस 1494 है। भारत में 18,820 नए संक्रमित मिले हैं। भारत में कुल मौत की संख्या 151,048 है, वहीं एक्टिव केस 2,20,591 है। 2024 तक सभी घरों को उपलब्ध होगा शुद्ध पेयजल। राज्य के पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि 2024 तक सभी घरों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। हर एक घर को नल से जल उपलब्ध कराया जाएगा। बता दें, मंत्री शनिवार को परिसदन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। वे रांची जाने के क्रम में कुछ देर के लिए परिसदन में रुके थे। 11वीं में दाखिला लेने को DEO ने जारी किया आदेश। धनबाद जिला शिक्षा पदाधिकारी के पत्र ने 11वीं में दाखिला लेने वाले छात्र छात्राओं को बड़ी राहत दी है। बताते चले कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल की अधिसूचना के कारण मैट्रिक पूरक परीक्षा पास कर चुके छात्र छात्राओं के 11वीं में एडमिशन का मामला फंस गया था। अधिसूचना में नए एडमिशन की बात नहीं होने के कारण कॉलेज व हाई स्कूलों में भ्रम की स्थिति बन गई थी। उधर प्लस टू स्कूलों और इंटर कॉलेजों में दाखिला लेने छात्र छात्राओं को वापस लौटना पड़ा। छात्रों की स्थिति को देखते हुए स्कूल ने शिक्षा पदाधिकारी से अनुमति मांगी थी। शनिवार को इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रबला खेस ने आदेश जारी करते हुए नामांकन लेकर पंजीयन करने को कहा है। प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ाने की तैयारी में प्राइवेट स्कूलों ने फीस बढ़ाने की तैयारी प्रारंभ कर दी है। बता दें, जमशेदपुर अनएडेड स्कूल एसोसिएशन की ओर से शिक्षा सचिव एवं उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम को पत्र समर्पित किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार समर्पित पत्र में 10 से 12 प्रतिशत तक ट्यूशन फीस में वृद्धि की योजना है। पत्र में बताया गया है कि पिछले वर्ष भी ट्यूशन फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। इस वर्ष कोरोना के कारण निजी स्कूलों में शिक्षकों को वेतन देने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ा, बावजूद इसके ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन हुआ। झारखंड में 3.5 लाख लोगों को सबसे पहले लगेगा टीका। देश में कोरोना की 2 वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद अब बारी टीकाकरण अभियान की है। बता दें, केंद्र सरकार ने 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान को शुरू करने की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने टीकाकरण अभियान के लिए 1 करोड़ लोगों को चिन्हित किया है। इसमें सबसे पहले 1.5 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स और 2 लाख फ्रंटलाइन वर्कर को टीका लगाया जाएगा। 15 फरवरी से कालाजार उन्मूलन को छिड़काव। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सिविल सर्जन कार्यालय के सभागार में शनिवार को कार्यशाला हुई। बता दें, इसमें कालाजार एवं मलेरिया के उन्मूलन हेतु दवा छिड़काव के बारे में सभी को प्रशिक्षण दिया गया। बताया गया कि जिले को कालाजार एवं मलेरिया से मुक्त करने के लिए पाए गए मरीजों के गाँवों को चिन्हित किया गया है। इन गाँवों में बृहद पैमाने पर छिड़काव करना है। 15 फरवरी से कालाजार उन्मूलन के लिए दवा का छिड़काव शुरू किया जाएगा। ओरमांझी घटना की CBI जांच हो, रघुवर दास। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ओरमांझी में हुए जघन्य बलात्कार और हत्याकांड में राज्य सरकार व पुलिस तंत्र की विफलता को देखते हुए घटना की जांच CBI से कराने की मांग की है। शनिवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड में महिलाओं बच्चियों के साथ हर दिन दरिंदगी हो रही है, राज्य की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है और राज्य सरकार कान में तेल डालकर सोई हुई है। झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अब एक से अधिक शादी करने वाले अभ्यर्थी नहीं बैठ सकेंगे। बता दें, JPSC परीक्षा नियमावली में संशोधन के बाद ऐसे स्त्री या पुरुष अभ्यर्थी जिन्होंने 2 या 2 से अधिक शादी की है उन्हें परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। झारखंड कैबिनेट की बैठक में परीक्षा नियमावली 2021 में जरूरी संशोधन किए गए हैं। रांची में फूलों की खेती से बदलेगी किसानों की किस्मत। रांची जिला में फूलों की खेती से किसानों की जिंदगी में खुशहाली आएगी। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर बाजार में फूलों को लेकर आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी। बता दें, जिला उद्यान पदाधिकारी कार्यालय की ओर से रांची के 18 प्रखंड में 900 एकड़ जमीन पर खुले वातावरण में फूलों की खेती की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए लाभुकों से आवेदन लिए जा रहे हैं। पंचायती राज संस्था के सहयोग से अंतिम रूप से किसानों के चयन के बाद खेती शुरू होगी। जल संरक्षण के लिए प्रचार प्रसार। पलामू जिले में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी शशि रंजन की अध्यक्षता में शनिवार को नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा जिले में युवाओं को जल का व्यर्थ उपयोग बंद करने एवं संरक्षित किए जाने की शपथ दिलाई गई। बता दें, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय से संबंधित नेहरू युवा केंद्र
संगठन पलामू द्वारा राष्ट्रीय जल मिशन के तहत कैच द रेन अभियान को बढ़ावा देते हुए युवाओं को शपथ दिलाया गया। झारखंड में एक्टिव केस इस प्रकार हैं। बोकारो 64, चतरा 14, देवघर 24, धनबाद 94, दुमका 12, पूर्वी सिंहभूम 163, गढ़वा 24, गिरिडीह 6, गोड्डा 11, गुमला 49, हजारीबाग 44, जामताड़ा 9, खूंटी 11, कोडरमा 28, लातेहार 34, लोहरदगा 28, पाकुड़ 0, पलामू 42, रामगढ़ 37, रांची 732, साहिबगंज 10, सरायकेला 25, सिमडेगा 11, पश्चिमी सिंहभूम 22 मरीज एक्टिव हैं।